गुड इवनिंग फ्रेंड्स नमस्कार सत श्रीकाल आदाबाज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट टुडे बाय विपुल कौशिक में दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विपुल और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पर जिसमें हम जानते हैं स्टॉक मार्केट का आज का हाल और जानने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार कैसा होगा विल ट्राई टू फाइंड आउट वट हैपन टूडे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट की वट कुड हैपन टुमारो वी विल एनालाइज निफ्टी बैंक निफ्टी एंड वी विल एनालाइज योर स्टॉक्स इन डिटेल देखेंगे कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं कि निफ्टी के क्या लेवल इंपॉर्टेंट हैं बाजार के और क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के उसके बाद देखेंगे आपके स्टॉक्स चर्चा देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट ऑल डिड टुडे किस वजह से बाजार गिरा क्या वजह रही और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें ऐसे खराब बाजार में भी मोमेंटम बन सकता है तो एट दी एंड वी विल डिस्कस विल ट्राई एंड फाइंड आउट फ्यू स्टॉक्स विच कु और जो लोग मेरे चैनल पर जुड़ चुके हैं नए टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ चुके हैं उन लोगों को कल के इंटराइे के लेवल्स मिल चुके हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो लोग जुड़ना चाहते हैं जो स्क्रीन पर नंबर दिया है जैसे बेंगलोर की क्लास की एड हो रही है उस नंबर पर आप मुझे अपना नाम और अपनी सिटी लिख के मैसेज कर दीजिए मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शामिल करूँगा जी हाँ और दोस्तों ये एक्सटेंशन है सिर्फ थर्टी मार्च तक के लिए Uh, ये विदाउट एनी कंडीशन एंट्री जिसको मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर इसको ऐड किया गया था जिन लोगों को अभी तक मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों बहुत सारे मैसेज डेली आते हैं तो प्लीज़ एक बार मैसेज दोबारा कर दीजिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी मैं उसको जरूर अगर मुझसे स्किप हुए हैं तो उसको जरूर ऐड करूँगा मैं नंबर टू यू कैन वॉच ऑन द स्क्रीन येस बैंगलोर क्लास में खाली पाँच दिन बचे हैं गाइज अभी भी जो लोग बुकिंग कराना चाहते हैं मुश्किल से चार या पाँच सीट बची है आई नीड टू टॉक टू द टीम और इसके बाद मैं क्लासेस के इस क्लास की बुकिंग्स को क्लोज़ कर दूंगा चाहे कितने भी दिन बचे हो लास्ट मोमेंट एंट्री बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं होगी सो इफ यू आर रियली थिंकिंग ऑफ लर्निंग अगर आप बेंगलोर से हैं बेंगलोर के आसपास में हैं बेंगलोर क्लास में आ सकते हैं आप सोच रहे हैं तो दिस इज़ डू वी कॉल आई मीन थिंकिंग इज़ सच अ वेस्ट ऑफ टाइम सोचिए मत आ जाइए क्योंकि जितनी मैं आपसे फीस ले रहा हूँ उससे ज़्यादा तो आपको मैं सर्विस देने वाला हूँ एक साल के लिए पूरा आपकी हैंड होल्डिंग होने वाली है जो बेस्ट डिलीवरी स्टॉक्स हैं जिसमें महीने में दो से तीन स्टॉक्स में निकाल के देता हूँ जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं जिन्हें पोजिशनल काम करना होता है वो आपको पूरे एक साल तक मैं आपको देने वाला हूँ देन आई विल बी गिविंग यू माई ओन ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर विच विल भी अपलीकेबल फॉर वन ईयर दोनों की कॉस्ट ट्वेंटी के आसपास की होती है और इतनी ही मेरी फीस है ट्वेंटी प्लस जी तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक साल के लिए देने वाला हूँ पूरी हैंड होल्डिंग आपके लिए

दस हज़ार में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती दोस्त छोड़ दीजिए अगर आप पाँच दस हज़ार रुपये लेके आए हैं बाजार में काम करने के लिए और सोचते हैं कि ऑप्शन से आप बादशाह बन जाएंगे तो दिस इज द फुलिश थॉट फुलिश मैं क्यों कहता हूँ क्योंकि व्हेन यू नॉट नो हाउ ऑप्शन बिहेव्स व्हेन यू नॉट नो हाउ ऑप्शन आर ट्रेडिड यू जस्ट कैनॉट बिकम करोड़पति लखपति बाई इन्वेस्टिंग टेन थाउजेंड इन ऑप्शन ऑप्शन इज़ अ वेरी रिस्की गेम इफ यू नॉट नो इट विल वाइप ऑफ ऑल दी मनी यू हैव जितना पैसा आपके पास है सब कुछ चला जाएगा ठीक है स्टॉक मार्केट को लोग बदनाम करने बैठ जाएंगे कि स्टॉक मार्केट खराब है स्टॉक मार्केट ऐसा है स्टॉक मार्केट वैसा है बट यू नेवर रियलाइज योर ओन मिस्टेक आपको पहले अपनी मिस्टेक को लर्न करना है उसको रियलाइज करना है यू हैव टू करेक्ट यू मिस्टेक देन ओनली यू कैन मेक मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट बट स्टॉक मार्केट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस इट इज फुल ऑफ मनी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फुल ऑफ सच स्टॉक्स विच कैन गिव यू आई मीन ट्रमेंडस रिटर्न जितना रिटर्न एक बैंक की एफ में नहीं मिलता जितना रिटर्न पूरे साल की बैंक की एफडी या पूरे साल के सेविंग के इंटरेस्ट में मिलता है उतना रिटर्न आपको कभी कभी एक दिन में मिल जाता है कभी कभी एक हफ्ते में मिल जाता है कभी कभी एक महीने में मिल जाता है अगर आपको छः सात दस परसेंट की रिटर्न अगर महीने में भी मिलती है तो हर साल अपना पैसा आप डबल कर लेते हैं आप सोच के देखिए तो यू हैव टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट्स विद ए प्रॉपर डिसिप्लिन प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्रॉपर रूल बुक ऐसा नहीं हो सकता कि समबड़ी वेल कम एंड टेल यू दैट बाय दिस स्टॉक एंड यू विल बिकम करोड़पति नो दैट इज अ फुलिश अप्रोच कम से कम वेन एवर एनी इज टेलिंग यू सम स्ट्रोक इवन इफ आई एम टेलिंग यू सम स्ट्रोक अगर मैं आपको कोई स्टॉक बता रहा हूँ तो योर फर्स्ट थिंग इन माइंड शुड बी कि स्टॉक को लेकर जाके आप अपने चार्ट देखिए अपने डेटा एनालिसिस से मैच करने की कोशिश कीजिए फिर आप में ट्रेडिंग करने की कोशिश होनी चाहिए जब तक आपको वो सब चीज़ें नहीं होती यू शुड नॉट ट्रेड क्राइस दिस दिस विल बी वेरी वेरी डेंजर्स टू ट्रेड विदाउट एनी नॉलेज राइट तो दस हजार में क्या कर सकते हैं दस हजार में इन्वेस्टमेंट करना सीखो दो शॉर्ट टर्म डिलीवरी करना सीखो है ना वो सब करना सीखो दस हजार में आप यू कैन नॉट टच दिस काइन टेन थाउजेंड स्टॉक मार्केट दिस इज ऑल सीरियस गेम प्लीज गाइड इन विथ शेयर्स आई कैन इन्वेस्ट आई एम हैविंग रुपीज ट्वेल्थ थाउजेंड सर निफ्टी फिफ्टी के टॉप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो ना थोड़ा एस आई पी करो उसके अंदर में अच्छा पैसा बनेगा

जम के माल बेचा आज हायर हाई मतलब हायर हाई कह रहा हूँ जब भी बाजार ऊपर गया वहां से बिकवाली की गई और दोस्तों हम लोगों ने फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स का मैंने का आपको एक जादुई लेवल दिया हुआ इट इज ए मेरेकुलस लेल इजन टेट प्लीज टाइप आउट अगर फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स आपको कैसा पसंद आ रहा है अगर फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स आपको पसंद आया है तो मजा आ जाएगा सोच बताइए प्लीज टाइप आउट की हाउ डिड यू बिहेव बिहेवेंड सिक्स आई टोल्ड यू कि जब भी को क्रॉस स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस रुपए का लगाओ बाय निफ्टी और सीधा सौ से डेढ़ सौ पॉइंट मिलते हैं टुडे ऑल्सो निफ्टी वेंट टू फिफ्टीन थाउजेंड वन फोर्टी अराउंड है ना तो वेन इन द मॉर्निंग इट क्रॉस फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स उसके बाद वो भागा और टाइम देख लेते हैं एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो पहले दिस एट्थ मार्च एट्थ मार्च टुडे 9:15 यस नौ बज पंद्रह मिनट बाजार पंद्रह हजार एक पे खुला हाई लगाया पंद्रह हज़ार साठ के आसपास का फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टी एट पॉइंट नाइन फाइव का लो रहा फोर्टीन थाउजेंड नाइन नाइन्टी टू तो ऐसा नहीं है आपको एंट्री नहीं मिली मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि आपको एंट्री मिलेगी हर बार मिलेगी इफ़ यू आर अ ट्रेडर यू हैव टू ट्रेड विद ए ट्रेंड फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल अगर वो तोड़ता है तो नीचे जाएगा स्टॉप में सेल कीजिएगा अगर आपको फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स को अपवर्ड क्रॉस करता है तो आप बाई में बैठ सकते हैं फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स से दस बीस पॉइंट नीचे स्टॉप आ गए यही एक ट्रेडर को करना चाहिए ठीक है तो दिस इज द मेजर लेवल एंड देन वंस इट crosses फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स आई you यू level, 15,129. लेवल फिफ्टीन थाउजेंड वन ट्वेंटी नाइन वन ट्वेंटी नाइन से ऊपर वन के आसपास के आपको वन ट्वेंटी नाइन पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था वन ट्वेंटी नाइन को जब वापस से ब्रेक करता है तो आपको फिर से 15,006 की वेट करनी चाहिए लुक एट दी ट्रेड 10 बजे पूरे 10 बजे के आसपास में 15,140 का हाई लगा उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में 15,092 का लो लगा मतलब 15,190 15,129 को इसने ब्रेक किया और उसके बाद उसके बाद पूरे दिन उसके नीचे रहा एंड लो विच बैंक निफ्टी मेड वॉज फोर्टीन थाउजेंड नाइन ट्वेंटी सेवन हमारा उसके बाद फिफ्टीन थाउजेंड वन ट्वेंटी नाइन के नीचे जो लेवल रहता है दैट इज फोर्टीन थाउजेंड एट एटी फोर वो नहीं हुआ तो हो सकता है उसके बनने की उम्मीद कल हो जाए तो दोस्तों जो ट्रेड करेगा लेवल के साथ में यू विल ऑलवेज मेक मनी स्टॉक मार्केट इज इज अ सीरियस गेम बट यू हैव टू बी सीरियस ऑन नंबर्स अगर आप नंबर्स को सीरियसली समझ लेते हैं नथिंग लाइक इट पैसा बनेगा ही बनेगा यस कृष्णा यादव फोर्टीन एट एटी फोर एंड ट्वेंटी गोल्डन लेवल पूरे महीने के लिए पूरे महीने के लिए पूरे साल के लिए लेवल आपको दे दिए मैंने इसमें अगर आप डेली अगर नहीं भी पूछेंगे तो दिस लेवल विल एक्ट एज सुपर सुपर ट्रेडिंग लेवल एल्स आपको कहाँ चाहिए है ना ये ब्रदर ठीक है बैंक uh, निफ्टी का हाल क्या रहा बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी थर्टी फाइव थ्री सिक्स परफेक्ट रेंज बिल्कुल सेम इट इज एक्टिंग बिहेविंग लाइक निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही चार्टन uh, बनाते हुए थ्री सिक्स सेवन थ्री फाइव थ्री सिक्स सेवन के आसपास पास क्लोजिंग है और लाइक like, ऑलवेज uh, कल की तरह से ही अगर देखा जाए इसमें क्या गेम हुआ है गाइज आर न्यू टू द चैनल लेट मी टेल यू कि मैं अपने पूरे सेटअप्स को देख के ही आपसे डिस्कशन करता हूँ जो भी मेरा सेटअप है विच इन्वॉल्व ऑप्शन चेन विच इनवाल्वस चार्ट एनालिसिस विच इन्वाल्वस माय ट्रेडिंग कैलकुलेटर सब चीजें करने के बाद में ही करते हैं सम मोर फ्रेंड्स सब्सक्राइब योर चैनल टूडे दे आर एप्रिशिएटिंग योर नॉलेज थैंक यू प्रतीक थैंक यू सो मच ब्रदर सो गाइज कीप सब्सक्राइबिंग इफ यू न्यू टू द चैनल कीप सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज सेंड योर नेम एंड स्टेट सो दैट वी कैन बी वी कैन बी इन टच फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड रिलेशनशिप है ना आई एम प्रोबेबली ओनली यूट्यूबर देखो आ, कल की और आज की अगर कैंडल्स को देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है बिल्कुल सेम पैटर्न है बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सेम पैटर्न है बिल्कुल सेम पैटर्न में बैंक निफ्टी बिहेव करते हो निफ्टी बिहेव कर रही है कोई डिफरेंस नहीं है आ, कल से बाजार ने हायर हाई लगाया हायर लो लगाया बट सेलिंग हुई है

थर्टी फाइव थाउजेंड वन फिफ्टी सिक्स डेढ़ सौ पॉइंट नीचे है long, जब उसके नीचे चलेगा, Now, guys, is, चलो, किसका स्टॉक सबसे पहले सर सबसे पहले एम दो लोगों ने पूछ लिया है चलिए एमएसटीसी ले लेते हैं वट एम एस टी सी इज डूइंग उसके बाद हम लेंगे विप्रो विप्रो भी किसी ने कुछ पूछा था एम एस टी सी एम एस टी सी थ्री फोर्टी सिक्स मेरे भाई आई होप यू आर मेकिंग मनी आई होप यू आर मेकिंग मनी गए विकास आपके तो क्लास की फीस पहले से निकल गई भाई अब बताओ एम एस टी सी में मज़ा आ रहा नहीं आ रहा कहाँ टू एटी के आसपास एम एस सी सी में आप आ गए थे और वी आर डिस्कसिंग एवरी डे एवरी लाइव सेशन वी आर डिस्कसिंग एम एस टी सी अब तो स्टॉक्स भी समझ में आए थे कौन किसके बारे में पूछा है सेवन परसेंट एक दिन में चला सेवन परसेंट वट आई टोल्ड यू कैन यू प्लीज टाइपिंग आउट यहाँ टाइप कर सकते हैं ताकि बाकी नए लोगों को समझ में आए कि वट वी डिस्कस अबाउट एम एस सी से आई टोल्ड यू क्लियरली कि टू एट्टी के बाद से क्रॉ करेगा ऊपर चलेगा और जिस दिन थ्री ट्वेंटी फोर के ऊपर चला आपके पकड़ में नहीं आएगा दिस वॉज माई लैंग्वेज इजटेड आई सेट दिस सेम सेम थिंग वॉन्स इट कॉसिस थ्री ट्वेंटी फोर फर्स्ट टारगेट विल बी थ्री सिक्सटी वन फर्स्ट टारगेट विल भी थ्री फोर्टी टू सेकेंड विल भी थ्री सिक्सटी वन आई टोड यू क्लियरली दिस वॉज माई स्टेटमेंट टेलमी वेदर आई सेट दिस और नॉट प्लीज आगे बाद में चलते हैं सब लोगों को पता लगना चाहिए विकास यू आर देयर ब्रदर आप एमएससी बहुत पूछते हो प्लीज टाइप मी आउट समीर भाई आते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर प्लीज गिव मी समाइम आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम दी होमएससी आई मेड बारह हजार पांच सौ फ्रॉम दिस स्टॉक थैंक्स टू मच अदानी पावर जितिंदर भाई प्लीज वेट आई एम वेटिंग फॉर विकास येस सर यू टोल्ड मी दैट इट विल गो अप वट वॉज द लेवल विकास आई वॉन्ट टू नो वेदर यू रिमेंबर द लेवल नॉट गैज हुर न्यू टू द चैनल गो बैक टू एनी ऑफ द लाइफ सेशन फाइंड आउट वट आई टोल्ड अबाउट एम एस सी से आई टोल्ड दट वंस इट क्रॉसिस थ्री ट्वेंटी फोर आपको पकड़ नहीं आगेगा टुडे ओनली इन वन सिंगल सेशन इट क्रॉस सेवन परसेंट एन्जॉय एन्जॉय योर ट्रेड एन्जॉय अबाउ थ्री सिक्सटी वन इट विल टच 380 एट्टी एंड फोर हंड्रेड राइड वन स्टॉक एक रूल बना लो यू शुड राइड वन स्टॉक कंप्लीट रैली इफ यू वॉन्ट टू मेक मनी यू हैव टू राइड वन स्टॉक यू कैनॉट चेंज योर स्टॉक्स ऑन डेली बेसिस अगर आपका स्टॉक नीचे भी आता है तो यू कैन एवरेज इट आउट आई यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट लेवल्स वे टू री एंटर आप दोबारा कहाँ री एंटर कर सकते हो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इजी और स्पेशली विद विद हेल्प ऑफ माई ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलटर आई कैन आई कैन टेल यू लाइक दिस कि कहाँ पर एवरेज करनी करनी है दिस इज माई एक्सपीरियंस दोस्तों पसंद आया तो ठोको ताली क्या बोलते हैं है ना ठीक है नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं ठोको ताली प्लीज प्रेस लाइक्स गाइस प्रेस लाइक्स आपके लाइक्स ही हमें मोटिवेट करते हैं थका हुआ तो मैं भी होता हूँ थके हुए आप भी होते हैं जॉब से आते हैं बिजनेस करके आते हैं मैं भी मेरा सारा दिन वही सब चलता रहता है फिर भी मन करता है आराम कर लें मैंने, नहीं यार कुछ लोग वेट कर रहे होंगे संडे सेशन कैंसिल हो गया गाइस सॉरी आई हैड टू लीव फॉर समवेयर मुझे कहीं जाना पड़ा था अचानक से जाना पड़ा था बिल्कुल एलेवंथ हाथ में मेरे कुछ चेंजेस हुए नाउ गाइड मी बट टू डू एन्जॉय विकास की राइट देंड एन्जॉय करो ना येस अपार्ट फ्रॉम विकास वी कैन इन्वेस्ट इन टमोरो सेशन वेट शुभम वेट वेट वी आर डिस्कसिंग हम इतने सारे स्टॉक से डिस्कस करने वाले हैं विच स्टॉक इज नेक्स्ट नाउ अवंती फीट ओके अवंती फीट को भी हम लगातार सेशन में देखते रहते हैं अवंती फीट ओके वट इज अवंती फीट डूइंग ब्रेकआउट दे चुका है आपको अपना अच्छा खासा फोर सिक्सटी सेवन का लो लगा के चला है फोर एटी फोर के ऊपर में दे वॉज ब्रेकआउट एंड इट विल टच फाइव जीरो सिक्स एंड एग्जैक्टली टच टच फाइव जीरो फाइव दिस इज दी

नाव यू टू की कब भागेगा एच डी एफ सी भगा देते हैं सर आप हमसे पूछो हम एच डी एफ सी से बात करते हैं HDFC we'll कि HDFC कब गया? स्लो मूविंग स्टॉक है हालांकि स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है पर अभी कहानी का एक बार जरा चार्ट भी चेक कर लें hmm, चार्ट में उल्टे पाँव चला हुआ है स्टॉक और बहुत ही खराब थी रेंज में है न

वेट 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 एच कब भागी है इसको भगाना है गाइस थोड़ा पेशेंस रखना है इसको भगाना है तो थोड़ी सी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ेगी थोड़ा सा लेवल एनालिसिस थोड़ी सी चार्ट स्टडी करनी पड़ेगी ओके जी ठीक है ओके जी गाइस 2510 का एक स्टॉप एक बहुत बढ़िया पच्चीस टू फोर टू 250, फाइव हाँ टू फाइव डबल जीरो के आसपास का एक सपोर्ट है मेजर सपोर्ट है इसको यहाँ से ये स्टॉक इसको टच करके एक बाउंस बैक देगा हालांकि इसने एक ब्रेकडाउन दिया है बट यहाँ पे सपोर्ट को टेस्ट करेगा ये टू फाइव डबल जीरो के और टू फाइव डबल जीरो का सपोर्ट टेस्ट हो जाएगा उसके नीचे चलेगा तो फिर थोड़ा सा और वीक और थोड़ा सा और खराब हो जाएगा इट कैन गो बैक टू अनदर टू फोर फाइव जीरो बट टू फाइव डबल जीरो शुड डोंट बी ब्रेकन फाइव डबल जीरो पच्चीस सौ से ऊपर चलता है स्टॉक तो इट विल रिट्रेस बैक पच्चीस तो 2550, 2550 तो को मेंटेन करने दो चला देंगे आपके एस डी एफ सी को भी हम योर प्रोडिक्शन थैंक विकास ब्रदर थैंक यू सो मच लव यू मेरे भाई लव यू ऑर्गेनिक ये नए नए स्टॉक्स मैंने सुने नहीं होते इनके प्लीज आप मुझे सिंबल बताएं प्लीज तब तक मैं संजन का बैंक ऑफ बड़ौदा ले लेता हूँ स्मृति ऑर्गेनिक्स मुझे नहीं पता लगा बैंक बड़ौदा बड़ोड़ा थोड़ा सा लाइव सेशन में टाइम कम रहता था इसलिए जो स्टॉक्स के नाम समझ में आते हैं उस पर हम काम करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ओके मैंने कहा था संजन ये वापस नीचे आ जाएगा है ना फिर दोबारा घुसेंगे परेशान मत हो 81 बिल्कुल स्ट्रांग सपोर्ट के आसपास में आ गया है जी हाँ अब इसकी तैयारी कर लो वापस से एक झटका खाने की कल बाजार संभल गया अगर मान लीजिए कल के बाजार संभलते ही ये भी बाउंस बैक दे देगा तो आपको स्टॉप लॉस रखना है तो सेवेंटी नाइन पॉइंट फिफ्टी का स्टॉप लॉस रखिए विद बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर राइडिंग दी अगेन वन से ऊपर में बाउंस बैक करेगा वापस कम से कम नाइन्टी कम से कम दस परसेंट की उछाल मिलेगी मिनिमम राइट मंजूनाथ जी यस मंजूनाथ जीमॉट एच ओ एच ओ ई सी विच इज दिस एच ओ ई सी एम सॉरी मंजूनाथ जी कैन यू प्लीज प्रोनाउंस इट प्रॉपरली एच ओ ई सी वट इज दिस शेयर इतने सारे शेयर में सभी शेयर के मुझे नाम पता हूँ दिस इज नॉट पॉसिबल गाइज सो काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दैट इन द मीन टाइम वील फाइंड आउट की वट एशियन पेंट इज डोइंग है ना एशियन पेंट हम लोगों ने बिल्कुल बॉटम पर हमने फाइंड आउट किया था टू टू फाइव जीरो के आसपास में और हमने कहा था ये स्टॉक वापस चौबीस सौ के आसपास चला जाएगा आप परेशान मत होइएगा नाउ वेंट ओके टू थ्री एट टू इसने हाई कितना लगाया हाई लगाया नहीं लगाया चौबीस सौ के आसपास का यस लगाया चौबीस सौ टू फोर थ्री फोर का हाई लगाया भाई टू फोर फाइव जीरो की प्रडिक्शन थी अपनी ठीक है बिल्कुल बॉटम पे टू टू फाइव टू टू फाइव जीरो पे हमने पकड़ा इसको बिग बिग डॉजी कैंडल बिग डॉजी कैंडल फॉम सॉरिंग टू फोर डबल जीरो को ब्रेक कर दिया है, इसने टू फोर जीरो को ब्रेक किया है और कल एक आज डिसीजन रहा है इसमें पूरा और कल का डिसीजन अगर ये कंटिन्यू रहता है और वन से नीचे ही चलता है तो स्टॉक और वीक हो जाएगा इट कैन गो बैक टू टू थ्री फाइव टू लेवल तो डोंट बॉय लेट दी ट्रेंड गेट क्लियर गोदरेज गोदरेज गेज प्रॉपर्टी समीर वाइज सॉरी गैस जब मैं स्क्रीन देख रहा होता हूँ उस टाइम पे आप लोगों के शेयर्स निकल जाते हैं तो मैसेज मुझे वापस से रेफर करने होता है मैसेज को तो गोदरेज गेज प्रॉपर्टी ओके वन फोर एट थ्री गिरना शुरू हुआ है राइट right? और इसने एक मेजर सपोर्ट को ब्रेक किया था फोर्टीन एंटी टू के सपोर्ट को 1482 को सपोर्ट को ब्रेक किया वापस से रिट्रेस किया 1489 के आसपास क्रॉस हुआ है तो 1482 मेजर मेजर सपोर्ट रहेगा यहाँ पे दैट शुड नॉट बी ब्रेक ब्रोकन और 1482 मेंटेन हो जाता तो इट कैन इवेंचुअली कम बैक टू 1521 बट 1482 शुड नॉट बी ब्रोकन 1482 टूटेगा तो और 40 रुपए नीचे टूटेगा फोर्टीन के आसपास चला जाएगा ये सुबह स्टॉक सभी को राम राम जी राम राम राजेश संडे को सेशन कैंसिल क्यों किया सर कहीं जाना पड़ गया अचानक से जाना पड़ा दो बज के पांच मिनट पे डिसाइड किया कहीं जाना है टोरेंट फार्मा एक मिनट टोरेंट फार्मा को देख लेते हैं जी टू फाइव डबल जीरो टू फोर एट जीरो के आसपास चल रहा है और ये ओके 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 ओके, ओके। टू फोर एट एट से ऊपर चलेगा तो थोड़ा तेज हो जाएगा टू फोर एट एट से ऊपर में टोरेंट फार्मा थोड़ा ठीक दिखाई देता है और सौ टू फोर सेवन वन का टू फोर सेवन वन के नीचे मेंबल जीरो के ऊपर जीरो के ऊपर में सौ रुपए की चाल कम से कम देखने को मिलेगी अजीत वाजबाजी भारतीय एयरटेल भारती एयरटेल ओके भारती एयरटेल वापस बैक टू पेलियन हम हम्म 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 क्या लंबी छोटी सेलिंग चली है इसके अंदर स्टॉक के अंदर में और तो फिर से एक मेजर लेवल को इसने इसनेट किया फाइव ट्वेंटी के, के आसपास में ठीक है तो फाइव ट्वेंटी नाइन के नीचे फिर वीक हो गया स्टॉक फाइव ट्वेंटी नाइन से ऊपर चलेगा तो फिर बाय करेंगे इसको नहीं तो इसको छोड़ दीजिए वापस से फोर एटी फोर के आसपास मिलने के लिए छोटा सा बीच में एक लेवल रहेगा 506 का 506 अगर मेंटेन हो गया ठीक है नहीं तो 484 एटी फोर टाटा कंज्यूमर सर हमने मैसेज किया टाटा कंज्यूमर का कि वो पच्चीस रुपए को क्रॉस नहीं कर रहा है यस yes. 25 बोले तो 625 जब तक 625 से नीचे है वीक है टाटा कंज्यूमर 625 से ऊपर चलेगा तो ही बाय करेंगे गाइस लेट मी अनाउंस कि जो लोग नए हैं चैनल पे उन लोगों को बता दूं क्योंकि काफ़ी काफ़ी देर में कुछ लोग नए जुड़ जाते हैं चैनल के ऊपर में आप चैनल को सब्सक्राइब तो करके रखेंगे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ही रखेंगे ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो प्लस बेंगलोर क्लास हमारी तेरह और चौदह मार्च को है सिर्फ और सिर्फ चार या पाँच सीट बची हुई हैं और जिसको भी लेनी है ले सकते हैं और साथ में इसमें हम क्या सीखने वाले हैं लोग पूछते हैं सर क्या सीखेंगे जितना आप लॉस कर रहे हैं आपके लॉस को खत्म कर देंगे आपको फ्यूचर ऑप्शन इक्विटी आ, मार्केट में जैसे ट्रेड करना है कैसे पोजिशन बनानी है कहाँ पे एक्जैक्टली ट्रेड करना है ये सब सिखाने वाले हैं जो आपको किसी और यूट्यूब वीडियोज़ में नहीं मिलने वाला ठीक है तो बुकिंग सर ऑन जो बुकिंग कराना चाहे करा सकते हैं गाइस ठीक है लास्ट मोमेंट एंट्री हम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे टाटा कंज्यूमर हो गया गाइस 625 से ऊपर ही टाटा कंज्यूमर बाय करने की चीज़ है उससे पहले उसको बाय नहीं करेंगे एक सिंह बड़ा अच्छा सवाल किया है जी ये सवाल बहुत जरूरी है दस हजार से शेयर मार्केट से कितने पैसे निकाल सकते हैं डेली सौ दो सौ तीन सौ इसका कौन जवाब देना चाहेगा ये सवाल मुझसे लोग बड़ा पूछते हैं यार कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में बीस हजार डाल दू या दो लाख रुपए डाल दू तो मेरे को कितने पैसे हर महीने बन सकते हैं आप लोग क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट को यार मतलब स्टॉक मार्केट ऐसा पीस ऑफ केक थोड़ी ना काटा और पेट में डाला हजम हो गया ऐसा थोड़ी ना होता है कितने लोग प्लीज मुझे बताना चाहेंगे कि ये सवाल है कि बीस दस हजार रुपए लगा के स्टॉक मार्केट से डेली सौ दो सौ तीन सौ रुपये कितने कमाए जा सकते हैं डेली प्लीज एक मुझे रिप्लाई चाहिए यार सौ रुपये हुआ एक परसेंट दो सौ रुपये हुआ दो परसेंट तीन सौ रुपये हुआ तीन परसेंट क्या डेली शेयर मार्केट से एक दो या तीन परसेंट डेली कमाया जा सकता है कितने लोग बताना चाहेंगे प्लीज एनी बड़ी टू आंसर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज प्लीज टाइप आउट स्टॉक्स तो ले लूंगा मैं आपके क्योंकि ये सवाल ना बहुत ही कॉमन लोगों का है कि मैंने 20000 लगाए हैं स्टॉक मार्केट में मैं नया हूं मैं स्टॉक मार्केट से अपनी रोजी-रोटी चलाना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट से मैं अरका मिस हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू अरका अमित हु इज दैट बडी हाउ डू यू नो दैट माय मैरिज एनिवर्सरी इज अप्रोचिंग दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हलवा समझते हैं सब हलवा नहीं है विकास बिल्कुल भी हलवा नहीं है मार्केट बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त 500 से 2000 मोहम्मद खान कह रहे हैं 500 से 2000 रोज़ कमाए जा सकते हैं दस हज़ार रहा है प्लीज़ आप मोहम्मद खान को अप्रोच कीजिए वाइस शाम में थापा से 5000 हज़ार रुपये रोज़ कमाए जा सकते हैं सर ठीक है शाम थापा को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं शाम थापा अपना नंबर दीजिए प्लीज़ मैं आप सबकी प्रमोशन करना चाहता हूँ आज मेरे चैनल पर जो भी अपनी प्रमोशन कराना चाहता है करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा मैं श्याम थापा हंड्रेड परसेंट ओके सर श्याम थापा जी अपना नंबर दीजिए दस हज़ार रुपये लगा के रोज एक परसेंट निकालना है विदाउट लॉस विदाउट फॉल खुशी मंदयान भी आ गई है खुशी खुशी कहती है कि वही पाँच सौ से हज़ार रुपये रोज दस हज़ार रुपये लगा के मतलब दस हज़ार रुपये लगा के पाँच सौ रुपये या हज़ार रुपये दस परसेंट के आसपास डेली कमा सकते हैं वेरी गुड वेरी गुड कोई डिपेंड वाला खेल नहीं सर उम्मीद तिवारी नोट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कमाना ही कमाना है सर किसी आदमी ने बड़े दिल से पूछे यह चीज़ यस yes, वंदित मत, वंदित कहती हैं वंदित कह, मन, वंदित महत्ता कहते हैं वी कैन अर्न अप टू ट्वेंटी परसेंट इंटरडे एंड वी कैन लूज अप टू ट्वेंटी परसेंट वेरी गुड ये तो थोड़ा फेयर आंसर हुआ है यार बीस परसेंट आ सकता है बीस परसेंट आ सकता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है नियाज है मैं दो सौ रुपये रोज़ कमा सकते हैं दो परसेंट रोज वेरी गुड दो परसेंट रोज का मतलब है बाईस दिन की मार्केट फोर्टी फोर परसेंट मंथली भाई सोच के बोलना बता रहा हूँ चवालीस परसेंट मेरे से ले जाना पाँच करोड़ रुपये कल ठीक है और मुझे हर महीने चवालीस परसेंट चाहिए फोर्टी फोर परसेंट मैं तो क्या मैं गारंटी देता हूँ दावा देता हूँ कि मुकेश अंबानी के पैसे भी एक दिन आपको लागे दूंगा मैं अगर आप डेली एक दो डेली दो परसेंट निकाल दोगे तो प्लीज ट्वेंटी रुपीज़ पर डे <laughs> बहुत ही कंजर्वेटिव हो गया आप महीने के लास्ट में माइनस हज़ार रुपये हरी शंकर यादव अरे भाई इतना नेगेटिव हंड्रेड परसेंट पॉसिबल डेली प्रॉफिट इंट्राडे ब्लास्टर जी हाँ ये टिप प्रोवाइडर है इनसे बात जरूर कीजिए ये आपको रोज़ आपका पैसा डबल करके देंगे प्लीज़ 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 कॉन्टेक्ट टीम अपना नंबर दो भाई प्लीज़ मेरे चैनल पे लोगों को आपका नंबर मिलना चाहिए जितेंद्र सरपति मंथली पाँच से दस परसेंट थोड़ा लॉजिक समझ में आता है पर दस परसेंट ही बहुत हाई हो जाता है मैं निकलवा सकता हूँ को पाँच दस परसेंट महीने के निकलवा सकता हूँ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है पर आपको कंसिस्टेंटली डेली कमाने वाली बात हो रही है नो गारंटी शोएब सिराज नो गारंटी वेरी गुड

फेल नहीं होना चाहिए यार चलो एक इस सवाल का जो, ये सवाल करना बड़ा जरूरी था देखो क्या कितने सारे लोगों ने जवाब दिया कोई आधा परसेंट कह रहा है ना कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा थर्टी परसेंट मंथली फ्रॉम बेस्ट ऑफ डिलीवरी सर्विस क्या बात है थैंक यू ब्रदर आप तो मेरी बिजनेस प्रमोशन करने लगे यार <laughs> देखो दोस्त मैं आपको एक चीज बड़े अच्छे समझा देता हूँ जितने भी लोग बाजार में पुराने या नए हो पुराने लोगों को जवाब तो चाहिए निको निको है, इस का नाम क्या है? आप इन्वेस्टमेंट करो आप स्विंग ट्रेडिंग करो आप ट्रेडिंग करो फिर भी एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि ऑन एन एवरेज आप साल का अगर आप साल का 25-30 परसेंट भी कंपाउंडिंग रिटर्न लो ना तो आप कुछ दस साल के अंदर अंदर भी इतने जबरदस्त करोड़पति बन सकते हो लाख रुपए लगा के आप सोच ही सकते बट वो आसान नहीं है स्टॉक मार्केट में झटके आते हैं करेक्शन आती हैं क्रैशेज आते हैं अनसर्टेन है मार्केट एनी न्यूज कैन यू नो शेक दिस स्टॉक मार्केट्स तो यू नॉट गारंटी दैट एवरी डे विल यू विल मेक मनी मुझे भी जब पोजीशंस बनाता हूं तो मैं बड़े बैकफुट पे हो पोजीशंस बनाता हूं अपनी मुझे मालूम होता है कि मैंने सौ रुपए इन्वेस्ट करने हैं आई वांट टू इन्वेस्ट हंड्रेड रुपीज आई इन्वेस्ट फिफ्टी रुपीज एट अ पर्टिकुलर प्राइस दैट इज माय स्टाइल देन आई वेट फॉर अनदर ट्वेंटी फाइव रुपीज़ टू बी इन्वेस्टेड एट लोअर प्राइस और पच्चीस रुपए लगाऊंगा और पच्चीस रुपये मतलब मैं अपने पैसे को तीन हिस्सों में डिवाइड करता हूँ दिस इज माई पर्सनल स्ट्रेटी एम टेलिंग यू है ना मैं तीन हिस्सों में अपने पैसे को डिवाइड करता हूं देन आई इन्वेस्ट और मुझे लगता है कि क्योंकि स्टॉक में घुसना है तो देख लेता हूँ कि एंटर करने का बिल्कुल करेक्ट टाइम आ गया कि नहीं आ गया। अगर एंटर करने का टाइम आ गया है तो उसमें एंटर करता हूं उसमें भी मैं हंड्रेड परसेंट नहीं लगाता लगा है अगर वही ग्रो कर गया था, अगर वो वहां से गिरा, तो अगर बी एवरेजिंग आउट ठीक है प्लान सी एवरेजिंग आउट खत्म मेरे खाली दो एवरेज होते हैं मैं किसी भी स्टॉक में खाली दो बार एवरेज करता हूँ उसके बाद आई सिट रिलैक्स टेंशन नहीं होती मुझे आई डोंट वॉच मार्केट्स एवरी मैं उन लेवल्स पे इन्वेस्ट करता हूँ वेट करता हूँ और वो मेरे स्टॉक मुझे एक महीने में पंद्रह से बीस परसेंट भी निकाल के दे देते हैं जी हाँ पंद्रह से बीस परसेंट एक महीने में बट दैट टू विद दिट डिसिप्लिन अगर मान लीजिए उस महीने उस स्टॉक ने बीस परसेंट माइनस की रिटर्न भी दे दी तो आई एम नॉट गोइंग टू तो सेल माई स्टॉक क्योंकि मैंने पैसा पूरा लगाया है आई हैव नॉट टेकन एनी उधार मैं किसी ब्रोकर के पैसे से काम नहीं कर रहा हूँ मैं अपने पैसे से इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई एम नॉट वरीड एट ऑल तो इसका आंसर पाना कि भाई आप रोज एक पर्सन दो पर्सन ये बिल्कुल बेकार है बेसलेस क्वेश्चन है इसके आंसर्स भी बेसलेस हैं गायस प्लीज गायज डो नॉट कॉल मी दिस इज लाइफ सेशन गोइंग ऑन प्लीज़ आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप कीजिए दैट इज इंपॉर्टेंट ये बेसलेस क्वेश्चन है बेसलेस आंसर्स मिलेंगे इसके तो इसलिए मार्केट बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स का नाम है मार्केट को अगर आप स्टडी करोगे आप कुछ भी कर सकते हो मार्केट कैन सरप्राइज यू जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा मार्केट उस चीज का नाम है बट अगर आप सोचोगे नहीं मैं तो दो परसेंट निकाल ही लूंगा डेली आधा परसेंट निकालना आसान है बड़ी अच्छी उम्र मिल जाती है नहीं हो सकता नहीं हो सकता आप महीने की एवरेज की बात कीजिए रोज की रिटर्न की बात मत कीजिए मैंने तो मेरा चालीस परसेंट लॉस कर दिया था फर्स्ट महीने में होता है दोस्त मंगेश यादव एक साल में बीस परसेंट फेर अनफ दोस्त फेर अनफ अहमदाबाद की प्लानिंग करना भूला नहीं ये नहीं श्रीकांत आप प्लीज मैसेज करके छोड़िए अहमदाबाद की प्लानिंग होते आपको मैसेज आ जाएगा प्रीति जैन हाउ कैन आई रजिस्टर विद यू माई विद को, योर कोर्स फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए फोन पे बात करेंगे मैं आपको पूरी डिटेल समझा दूंगा कैन गो टू माई वेबसाइट एंड गो टू दी प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स सेक्शन वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं वहाँ भी पेमेंट कर सकते हैं आप यू कैन गो माई गो टू माई वेबसाइट माई वेबसाइट इज डब्ल्यू 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 डॉट विपुल कौशिक डॉट कॉम वी आई पी यूएल के ए यू एस एच आई डब्ल के डॉट कॉम विप्रो यस शकील भाई विप्रो बता दें विप्रो में क्या खेल चल रहा है क्या खिचड़ी है विप्रो में चार सौ रुपये के होना चाहिए स्टॉक क्या चल रहा है विप्रो फोर हंड्रेड सिक्सटीन ओके फोर हंड्रेड सिक्सटीन के आसपास चल रहा है और ये एक फ्लैग पैटर्न ही बना रहा है जबकि uh, ये स्टॉक बेसिकली एक लोअर हाई एंड लोअर लोस बना रहा है हालांकि डाउन ट्रेंड में स्टॉक आ चुका है चार सौ साठ से गिरता हुआ आया है स्टॉक चार सौ सत्तर से गिर रहा है स्टॉक ये और फोर हंड्रेड ट्वेंटी के आसपास आ गया है द स्टॉप लॉस सपोर्ट मेजर सपोर्ट फॉर विप्रो विल बी फोर हंड्रेड 400 नहीं ब्रेक होगा नहीं ब्रेक होना चाहिए 400 से इसका बाउंस बैक आना चाहिए और 400 से ये स्टॉक बाउंस करेगा तो वापस से 424 41 के आसपास जा सकता है बट कीप योर पोजीशनल स्टॉप लॉस एट 400 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंदित मेहता सेस वी कैन अन अप टू 20% यस yes, जी 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 आई गॉट द आंसर ब्रो जस्ट डाइल फॉर इंटर जस्ट डाइल को तो यार आईपीएल के साथ जैसे टाइप हुआ वो तो स्टॉक सर्किट में चला गया उसको तो पंख लग गए ना जस्ट डायल को तो सर्किट ही बंद हुआ है शायद निकलते हैं देखो न्यूज़ का कितना इफ़ेक्ट 10 परसेंट 10 परसेंट का अपर सर्किट में स्टॉक बंद हुआ है ठीक है 963 के आसपास में आ गया है और 961 के ऊपर में इसका फर्दर ब्रेकआउट है 992 thousand twenty four के लिए 992 एंड thousand twenty four के लिए चल सकता है जस्ट डायल बैंक ओके एच डी एफ सी बैंक हमने एच डी एफ सी बैंक को देखा था उसमें चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हालांकि तीन दिन सेलिंग से 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 चल रही है और फिफ्टीन टवेंटी ट्वेंटी का आसपास का स्टॉप लो सका पंद्रह सौ बीस के नीचे चार पांच रुपए नीचे पंद्रह सो चार पांच का स्टॉप लो सकाउ ये स्टॉक अगर बाउंस करेगा तो ठीक है नहीं तो इस स्टॉक को बाउंस करना होगा 1482 से 1482 से पहले बाउंस नहीं करेगा अगर स्टॉक ऐसे ही गिरता रहा तो अगर यहीं से बाउंस पे खोल लेना है इसको तो 1504 1506 के आसपास की इसकी आ, वो, वो नहीं सपोर्ट होना चाहिए एमएमटीसी MTC, MTC. MTC का ब्रेकआउट आएगा फोर्टी नाइन से ऊपर में जब तक फोर्टी नाइन से नीचे में बाय मत करो एसबीआई सॉरी एस बी आई एस बी आई का ब्रेकआउट आएगा फोर हंड्रेड से ऊपर में ही ब्रेकआउट आएगा हालांकि अभी ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है और लगातार हाई लो के को कर रहा है और, uh, और तेज से खराब हो जाएगा थ्री फिफ्टी फोर के लिए विच इज बेस्ट बुक फॉर बिगिनर इन दार्केट इन आईवर रेड एनी बुक विपुल शेर का बताए सर अच्छा चलिए मैं मेरे बारे में देख लेता हूं छत्तीस के ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा विपुल का थर्टी सिक्स आप इसमें विपुल के अंदर में थर्टी सिक्स सौप लो सको कैरी कर, करो कोल इंडिया सब थक जाते हैं सर पूरे दिन थक जाते हैं मेरे भाई पूरे दिन थक जाते हैं काम करके बाजार देख के स्क्रीन के सामने बैठे बैठे इस टाइम तो बिल्कुल भी काम करने में मन नहीं करता बट कोई बात नहीं करने की कोशिश करते हैं कोल इंडिया कोल इंडिया कोल इंडिया 154 के आसपास आ गया है और यहाँ पे कोल इंडिया का पोजिशन सॉप वन का है उसके ऊपर जब तक है एप्स फाइन एब्सोल्युटली फाइन 144 से ऊपर जब तक है ठीक है अपर टारगेट्स रहेंगे 156 170 के आसपास बने रहेंगे और स्टॉप लॉस पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा इसका 132 का पोजिशनल स्टॉप लॉस स्विंग के लिए चलो गाइस एक दो स्टॉक और ले लेते हैं उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं आज के सेशन पे कल मिलेंगे फुल एनर्जी के साथ में आज थकान थोड़ी ज्यादा यार

नेस्ले इंडिया विल बी दस्ट स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज एंड भारतीय एयरटेल ये चार स्टॉक रहने वाले हैं मेरी नजर के अंदर में हिट लिस्ट में इनको स्टडी करेंगे द स्टॉक्स आर नेस्ले इंडिया नेस्ले कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय एयरटेल एंड ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज दीज आर दी फोर स्टॉक्स फॉर टमोरो अगर आप इनपे स्टडी करना चाहते हैं ज़ आई होप आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिले होंगे आज के सेशन को थोड़ा यहीं एंड करते हैं और कल मिलेंगे फुल जोश से फुल एनर्जी के साथ से दोबारा से सेम टाइम नाइन 9 सिक्स नौ बज के छः मिनट पर आपका दोस्त विपुल आपसे अलविदा चाहता हूं और बैंगलोर मिलेंगे जिन लोगों को जो लोग बुकिंग करा चुके हैं उन लोगों से बैंगलोर मिलते हैं जो कराना चाहते हैं करा सकते हैं डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं और बॉम्बे की डिटेल्स के लिए भी आप इसी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं चलिए टेक केयर गुड नाइट लव यू ऑल शबा कैर बाय बाय खुश रहिए